Now let's come to the next slide. Inevitable accident. Brown versus Kendall. Next question. कौन से ईयर का है? 1859 में. ब्राउन ने भैया कैंडल जगाई है. क्यों जगाई है? पढ़ लेते हैं जरा. द प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स डॉग वर फाइटिंग. कैंडल जगाना पड़ गई थी क्योंकि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के जो डॉग्स थे वो फाइट कर रहे थे. दिस इज़ द ओनली वे. अगर आप इनको स्टोरी की तरह याद करेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर यू कि आप उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम भूलेंगे तो नहीं. इट इज़ माई गारंटी. ठीक है, अब ब्राउन ने क्या करा है? कैंडल जगाई है. कैंडल क्यों जगाई है? क्योंकि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के डॉग्स आपस में लड़ रहे थे, वो फाइटिंग. व्हाइल द डिफेंडेंट वाज ट्राइंग टू सेपरेट देम, डिफेंडेंट वाज ट्राइंग टू सेपरेट देम, ही एक्सीडेंटली हिट द प्लेंटिफ इन हिज आई. एक्सीडेंटली क्या हुआ है? प्लेंटिफ की आँख में डिफेंडेंट का हाथ लगने की वजह से डिफेंडेंट को चोट लगी. वाज स्टैंडिंग नियर बाय. द इंजरी टू द प्लेंटिफ वाज हेल्ड टू बी रिजल्ट ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट. जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो किस वजह से हुआ? इनएविटेबल एक्सीडेंट की वजह से हुआ. एंड द डिफेंडेंट वॉज नॉट लाइबल. अब अगर आप, मैं इस स्लाइड को अगर आपके यहाँ से रिमूव भी कर देती हूँ तो आप बहुत ईजिली मुझे बता सकते हैं ब्राउन ने कैंडल क्यों जगाई थी 1859 में. क्योंकि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के डॉग फाइट कर रहे थे और फाइट्स को रोकने के लिए हमारे जो है डिफेंडेंट हैं उन्होंने जो कोशिश करी उसकी वजह से हमारे प्लेंटिफ की आंख में चोट लग गई. प्लेंटिव ने कंपनसेशन मांगा. कोर्ट ने बोल दिया है इट इज़ इनएविटेबल एक्सीडेंट, वी कैन नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन. ठीक है, एक बार इसको देख लो केस के नाम को. देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. चलो एक बहुत ही अच्छा टर्म है अगर हम बात करते हैं रेस इप्सा लिक्विटर. एक एग्जांपल देती हूँ. ये एक मॉन्यूमेंट है, यह एक बिल्डिंग है चांदनी चौक में. कितनी पुरानी है? 100 years ago. चांदनी चौक सब गए हैं. ये बिल्डिंग है कितने ईयर पुरानी है? 100 year old बिल्डिंग है. फोर्थ फ्लोर के बिल्डिंग है, 100 year old, 4 मंजिल की है. 1, 2, 3, ठीक है, 4 फ्लोर हो गए ना. 1, 2, 3, 4, ठीक है. और ये बहुत ही कंजस्टेड एरिया में है जिसमें है. अब यहाँ पे भी बहुत सारे घर हैं, ठीक है, और ये छोटी छोटी गलियाँ हैं. ऐसा ही है ना चांदनी चौक इतना कंजस्टेड सा. अब तो चेंज हो गया. 100 year old बिल्डिंग है, एक दिन अचानक से गिर जाती है. अब ये लॉस हुआ है ये चलने वाले लोगों का, ये जिन जिन के घर आ रहे थे इन सब का लॉस हो गया. अब आपको ये जितने भी हमारे जो हैं, ये जितने भी हमारे इंजर्ड पार्टीज हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कोर्ट में जाके क्या क्या प्रूफ करना होगा? ठीक है, इन्हें कोर्ट में जाके कुछ प्रूफ नहीं करना है, नथिंग. सिंपल केस फाइल किया. क्या लिखा मैंने केस में? 100 year old बिल्डिंग फॉलन. 100 साल पुरानी मंजिल गिर गई थी, उसके गिरने की वजह से हमें लॉस हो गया है. इसे कहते हैं रेस इप्सा लिक्विटर. Means things speaks for itself. जहाँ पे प्लेंटिव को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, ये कहाँ पे आया? मैंने नेग्लिजेंस में आपको क्या एक चीज़ बोली थी? प्लेंटिव को प्रूव करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे डिफेंडेंट का नेग्लिजेंस हुई, कहाँ पे वो ड्यूटी परफॉर्म करने से फेल हुआ, वहाँ पे प्लेंटिफ को क्या करना पड़ेगा? ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, राइट? लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे प्लेंटिफ को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, वहाँ पे प्लेंटिफ जो है डायरेक्टली एक टर्म यूज़ करते हैं रेस इप्सा लिक्विटर. थिंग्स स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ.
आप बस अपने फैक्ट्स में ये चीज़ मेंशन करते हैं कि ये जो है ऑफेंस हुआ है और इस ऑफेंस के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे कंपनसेशन। 100 साल पुरानी बिल्डिंग गिरने के लिए आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मेंशन द फैक्ट्स। इसको हम बोलते हैं रेस इप्सा लिक्विटर, थिंग्स स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ, जहाँ पे लोगों को, कोर्ट को, इंडिविजुअल को, पब्लिक को, सबको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, जहाँ पे प्लेंटिफ को स्पेशल बर्डन ऑफ प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 100 ईयर ओल्ड बिल्डिंग थी, सडनली गिर गई, उसकी वजह से इन पर्टिकुलर लोगों को जो यहाँ पे मेंशन थे उनको लॉस हुआ है, इनको डायरेक्टली कंपनसेशन मिलेगा एंड दे डू नॉट नीड टू प्रूव एनीथिंग। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, रेस इप्सा लिक्विटर। अब हम बात करते हैं बच्चे हमारे क्वेश्चंस क्या निकल के आते हैं इनमें से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इस टर्म का मीनिंग बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बर्डन ऑफ प्रूफ एसेंशियल होता है प्रूफ करने के लिए रेस इप्सा लिक्विटर? बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हमारी रेस इप्सा लिक्विटर ऑलरेडी कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी फॉर एक्सप्लेनिंग द बर्डन, यू डू नॉट नीड टू शो एनीथिंग स्पेशली। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है टर्म में, फिर आगे चलते हैं। रेस इप्सा लिक्विटर, थिंग्स स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ, जहाँ पे प्लेंटिव कुछ भी कंपनसेशन नहीं ही अलग से मेंशन कर रहा है, सब कुछ कोर्ट को इजीली मेंशन हो रहा है। जनरली इन केसेस ऑफ नेग्लिजेंस द बर्डन लाइज ऑन द प्लेंटिव, जो मैंने आपको बोला था कि मैंने एक इंडिविजुअल को ड्यूटी दी, हमें नेग्लिजेंस में क्या प्रूफ करना होता था? ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी हमें प्रूफ करना पड़ता था, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, राइट? लेकिन रेस इप्सा लिक्विटर सेज यू डू नॉट नीड टू प्रूव एनीथिंग, आई एम हेयर टू हेल्प आउट द डिफेंडेंट प्लेंटिव। यहाँ पे प्लेंटिव को सिंपल क्या चीज़ प्रूफ करनी है? यहाँ पे सिंपल प्लेंटिव को ये प्रूफ करना है कि ये वाले फैक्ट हुए थे और इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ एग्जिस्ट इन रेस इप्सा लिक्विटर और नॉट, क्वेश्चन ये है, नो, आंसर इज नो, देर इज़ नो बर्डन ऑफ प्रूफ इन रेस इप्सा लिक्विटर। क्वेश्चंस कई बार घुमा के आ जाते हैं तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए, रेस इप्सा लिक्विटर में कोई भी बर्डन ऑफ प्रूफ अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, ईजी है, आगे चलते हैं। जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं आई ऑलवेज इन्फॉर्म यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेफामेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो डेफामेशन बच्चे, डेफामेशन का मीनिंग होता है इंसल्ट करना, इंसल्ट करना। ठीक है, इंसल्ट, हम किसी के रेपुटेशन को ख़राब करते हैं उसे हम इंसल्ट करना कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये अलाइव इंडिविजुअल के साथ भी हो सकती है और डेड के साथ भी हो सकती है। क्या एक मरे हुए इंसान की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए क्या मैं केस फाइल कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस फाइल कर सकते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सपोज लेट्स टेक फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल, मेरे फ्रेंड ने मुझे पब्लिकली इंसल्ट किया, मेरे करेक्टर के बारे में कुछ गलत चीज़ें बोली, आई एम अलाइव, आई कैन टेक कंपनसेशन फ्रॉम माई फ्रेंड कि मेरे फ्रेंड ने मुझे गलत बोला, आई नीड कंपनसेशन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माई रेपुटेशन, मेरी रेपुटेशन ख़राब हुई है, आई नीड अ कंपनसेशन। ठीक है, अलाइव पर्सन को कंपनसेशन मिल गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे डेड पर्सन की। क्या डेड पर्सन की रेपुटेशन भी फ़र्क पड़ता है? क्या डेड पर्सन की रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। वो रेपुटेशन कैसे है? नहीं नहीं सर, वो रेपुटेशन कैसे ख़राब होती है उसके बारे में बात करते हैं। सपोज ये एक इंडिविजुअल है हमारे, इनकी डेथ हो गई, चलो इनकी डेथ हो गई, अब मैंने क्या किया है इनके बारे में कुछ बैड कमेंट पास किए, इनके बारे में कुछ बैड कमेंट पास किए। द एक्स पर्सन बिलोंग्स फ्रॉम द प्रोस्टिट्यूट फैमिली, राइट? क्या बोला मैंने? एक्स पर्सन जिसकी कल डेथ हुई थी, ही बिलोंग्स फ्रॉम द ब्रॉथल एरिया, ही बिलोंग्स फ्रॉम द प्रोस्टिट्यूट फैमिली। ये तो जा चुके हैं,
क्या ये वापस आके कंपनसेशन मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। लेकिन जो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं, दे कैन क्लेम कंपनसेशन। वो डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हमारे रिलेटिव के लिए यूज़ करी गई है वो हमारी भी रेपुटेशन को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, इनके लिए जो वर्ड बोला गया है वो किस पे इम्पैक्ट डालता है? वो इम्पैक्ट डाल रहा है डायरेक्टली उन लोगों पे जो इस डेड पर्सन से अभी तक जुड़े हुए हैं। राइट, ये जो डेड पर्सन हैं इनसे जो लोग जुड़े हुए हैं, इनके जो रिलेटिव हैं राइट, इन रिलेटिव्स की रेपुटेशन ख़राब हो रही है। इनका इनडायरेक्टली मतलब क्या था कि ये ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो ब्रोथल या प्रोस्टिट्यूशन में बिजनेस में इंडल्ज हैं, और इसका मतलब इनकी रेपुटेशन के साथ साथ इनकी भी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, इन रिलेटिव की रेपुटेशन भी ख़राब हो रही है। इट इज़ नोन एज डेफामेशन ऑफ अ डेड पर्सन। ठीक है, अगर आपसे कोई अब आगे से पूछे कि क्या एक मरे हुए इंसान की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर वो रेपुटेशन उसके नियर बाय उसके रिलेटिव्स की, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की रेपुटेशन ख़राब करते हैं, देन दे कैन ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन। अब बात करते हैं बेटा मीनिंग की। मीनिंग क्या कहता है डेफामेशन का, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। डेफामेशन इज इंजरी टू रेपुटेशन। लेट्स मार्क द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। डेफामेशन का मीनिंग हो गया इंसल्ट करना। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? रेपुटेशन ऑफ पर्सन, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन इंजर्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर ही डज सो एट हिज ओन रिस्क। चले ठीक है, एज इन द केस ऑफ एन इंटरफेरेंस विद द प्रॉपर्टी। जिस तरीके से अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, डैमेज करते हैं, आप उसके लिए लाइबल होते हैं। इन अ सेम वे अगर आप किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुँचाते हैं, डैमेज करते हैं, यू आर सेम वे लाइबल इन दैट ऑफ प्रॉपर्टी। अ मैंस रेपुटेशन इज हिज ओन प्रॉपर्टी। एक इंसान की जो अपनी रिस्पेक्ट होती है, जो इज्जत होती है, कहते हैं ना, हमने बुजुर्गों से सुना है कि एक जो इंसान की इज्जत है वही हमारी सब कुछ क्या है, जमा पूंजी है। राइट, जो हमारी जमा पूंजी है वो ही क्या है, हमारी इज्जत है। पुरानी मूवीज़ में भी हमने डायलॉग सुना है, बच्चों को कई बार टॉर्चर किया जाता था कि आप ऐसा काम ना करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जो हमारी इज्जत ही हमारी जमा पूंजी है, और अगर आप उस जमा पूंजी को ख़राब कर देंगे तो क्या होगा, उसके लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारी सारी रेपुटेशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अमेंस रेपुटेशन इज़ हिज प्रॉपर्टी एंड इफ़ पॉसिबल मोर वैल्यूएबल दैन अदर प्रॉपर्टी। मैंने बोला ना, पुराने लोगों में सुनने में आया कि हमारी इज्जत हमारी सबसे बड़ी कमाई है। ठीक है, तो उस कमाई को बच्चों को कई बार समझाया जाता था टू प्रोटेक्ट दैट प्रॉपर्टी। उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। रेपुटेशन होता है एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट, एक रेपुटेशन जो कहाँ बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ अ रीजनेबल पीपल, कॉमन पीपल में, सपोज बच्चे मैं आज मेंटल हॉस्पिटल गई। ठीक है, मैं मेंटल हॉस्पिटल गई हूँ, मेंटल हॉस्पिटल गई, वहाँ पे एक इंडिविजुअल ने, वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड ने क्या किया है, मुझे इंसल्ट कर दिया, मेरे फ्रेंड ने मेरी इंसल्ट कर दी। ठीक है, मैं एक मेंटल हॉस्पिटल में हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई एम इन मेंटल हॉस्पिटल, जहाँ पे इस टाइम सिर्फ पेशेंट अवेलेबल हैं, उन पेशेंट्स के आगे मेरे फ्रेंड ने मेरी रेपुटेशन ख़राब कर दी, उन पेशेंट्स के आगे मेरे फ्रेंड ने मुझे गलत वर्ड्स यूज़ करें। ठीक है, नाउ कैन आई गो टू द कोर्ट, क्वेश्चन इज़ दिस, कैन आई गो टू कोर्ट, क्या मैं कोर्ट के गेट तक जा सकती हूँ? कोर्ट विल से कि लॉ के अंदर मैं रेपुटेशन किसे कहता हूँ, जो नॉर्मल पीपल है, एक कॉमन सेंस बेस्ड पीपल है। हर किसी के आगे आप रेपुटेशन क्लेम नहीं कर सकते। If your friend is scolding you in front of a 6 months baby, in front of a mental patient, they are not capable of understanding the basic things. ठीक है,
इफ दे आर नॉट एबल टू कैप अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स, कॉमन लाइफ अगर वो नहीं जी रहे हैं, वो लोग नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन की वजह से, इट मीन्स उनकी नज़र में रेपुटेशन तो कोई चीज़ अफेक्ट करती ही नहीं है. एंड इफ़ इट डज नॉट अफेक्ट, देन इट डज नॉट अफेक्ट योर रेपुटेशन ऑल्सो. एक इज्जत हमेशा किन लोगों के बीच में होती है? एक सेंसिबल और कॉमन लोगों के बीच में होती है. इफ़ कॉमन पीपल आर नॉट देयर, then you cannot claim for compensation. For claiming compensation in defamation, there is a need of what? There is a need of common people, normal people. ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना. कल को ऐसा ना कि आपके फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो, आप दो फ्रेंड्स बैठे हो रूम में और आप जाके बोल दो कि मेरे फ्रेंड ने मेरी इंसल्ट कर. नहीं, इंसल्ट होने का मतलब क्या है? चार लोगों के आगे रेपुटेशन ख़राब होना. चार लोग कैसे होने चाहिए? कॉमन पीपल होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, जिन्हें रेपुटेशन और वर्ड्स का मीनिंग समझ आए, वो लोग हैं. चलो आगे कुछ लिखा है. एन इंटेंशनल फॉल्स कम्युनिकेशन आइदर रिटन और स्पोकन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आइदर रिटन और स्पोकन, आइदर रिटन और स्पोकन, that harms a person's reputation, decreases their respect, regard in which a person is held, or induces disparaging, hostile or disagreeable opinion or feeling against people is called defamation. आप किसी भी individual के against या कुछ बोलते हैं, पहला question, या कुछ लिखते हैं, दूसरा question, very important question, ठीक है, तो क्या उसे हम डेफामेशन कहेंगे? क्या वर्ड लिखते हैं जो उसके कॉन्फिडेंस को ख़राब कर रहा है, जो उसके कॉन्फिडेंस को ख़राब कर रहा है, या वो उसके रिस्पेक्ट कर रहा है या रिगार्ड कर रहा है उसके कॉन्फिडेंस से, और क्या हो रहा है उसको एक हॉस्टाइल की तरह, उसको डिसएग्रीएबल ओपिनियन बना रहे, लोगों के सामने उसकी वैल्यू कम कर रहा है, तो क्या कंसिडर किया जा रहा है? यू आर कमिटिंग डेफामेशन.